प्यारे बच्चों, देखना एक दिन आपके विश्वास की जीत होगी। आपके मन की हर एक बात सच होगी। देखना एक दिन आपके विश्वास की जीत होगी। हमेशा हिम्मत मत हारिए, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड नीट प्रयास, नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़। और आज हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू की बात कर रहे हैं और इसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन डिकोड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलिंगी प्रजनन के लिए नहीं सही है। तो देखिए, इट प्रोड्यूस द वेरिएशन डेट अलाउज द स्पेसीज टू अडॉप्ट द क्विकली टू चेंज इन द एनवायरनमेंट कंडीशन। कह रहा है कि इट प्रोड्यूस द वेरिएशन जो क्या करे, वेरिएशन को लाए, विभिन्नता को लाए एंड अलाउज द स्पेसीज टू अडॉप्ट द क्विकली। और स्पेसीज के जितने एनवायरनमेंट चेंजमेंट है उसको क्विकली क्या करें, अडॉप्ट करें या ग्रहण करें। तो ऐसा कुछ तो अडॉप्टेशन में होता है या अडॉप्टेशन रेडिएशन में होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा क्या है, गलत है या रॉन्ग है। तो ये बात याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द पार्थिनोजेनेसिस। सो इसको देखिए, एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग्स मैच्योर इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए, एक इसका ये मीन होता है। या मैं ये कहूँ कि बिना फर्टिलाइजेशन के कोई इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना, है ना, ये भी एक सेंस निकलता है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको भी प्रोसेस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस का होता है। फॉल्स फ्रूट बनता है इसमें, ठीक है। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल जैसे कि ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। ये सारे इसके क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फर्टिलाइजेशन। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट निषेचन के लिए सही नहीं है या सत्य नहीं है। तो ऑल द एम्फीबियंस ले शेल्ड एग। कह रहा कि सारे जो एम्फीबिया हैं ले शेल्ड एग, ऐसा नहीं होता। सारे एम्फीबिया शेल्ड एग्स को लेट नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे भी एम्फीबिया होते हैं जो उनका एग लेइंग का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, कोई माउथ में रखते हैं, कोई पाउच में रखते हैं, ठीक है। कोई अपनी बैक बोन पे रखते हैं, ठीक है, इंटरनल इनगल्फ करके रखते हैं। तो कई सारे मेथड होते हैं एम्फीबिया में, ठीक है, एग लेइंग के। सो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी, दे हैव द कैपेसिटी टू डेवलप अ इंडिविजुअल सेल एंड डिफरेंशिएट एंड डेवलप अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। मतलब अपने ही जैसी कई सारी सेल्स को डेवलप करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी स्टेम सेल्स को डेवलप करती है। स्टेम सेल डिफरेंशिएशन करके बॉडी की कई सारी सेल्स को डेवलप करेंगे, सिस्टम्स बनेंगे, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ द सेल टू गिव अ राइज टू बी एंटायर ऑर्गेनिज्म। मतलब उसके अंदर क्या हो, एबिलिटी हो सेल को डेवलपमेंट करने की पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म में। यही तो मैंने अभी बताया है, टोटिपोटेंसी के रेफरेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहले स्टेम सेल्स बनती है, वो डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेल टू सेल होता है, इससे सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये सारे क्वेश्चनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, दोनों मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे, मेल एंड फीमेल, और वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। या वो हो सकता हो कि एक बॉडी में
पाए जाएं, तो ये बेसिकली एक फॉर्म होता है, मतलब बाइसेक्सुअल का फॉर्म होता है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, मेल एंड द फीमेल मे और ए मे नॉट बी सेपरेटेड। तो सेपरेटेड होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और एक बॉडी में है तो एक बॉय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वी कैन से डैट, ओके, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन का मतलब अपने ही सेगमेंट्स में डिवाइड होना, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, और ए वी कैन से दैट ए माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक, और उससे इंडिविजुअल का बनना। ओके स्टूडेंट, सो बेटा इसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और अमीबा में इस तरीके का सिंपल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखोगे, क्या करोगे बच्चों, याद रखोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इसके ऑप्शन को देखते हैं तो और अच्छा लगेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन पैरामीशियम। सो प्रोटोजोआ में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, पैरामीशियम इसका स्पेशली एग्जाम्पल है। ओके एंड द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन न्यूक्लिना। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, सो वो एग्जाम्पल किसका होगा, यूक्लिना का। बडिंग इज फाउंड इन ईस्ट। बडिंग जो होती है वो बड से क्या करते हैं, एक ईस्ट में बड बनेगी, देन उससे इंडिविजुअल बनेगा, वो उसका एग्जाम्पल हो गया, ईस्ट में होता है। बट द सिंपल बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन ए हाइड्रा। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, या मैं ये कहूँ एक तरीके का सेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है, या बड के थ्रू ये क्या होता है, हाइड्रा में मतलब एक तरीके का डिवीजन होता है और उससे इंडिविजुअल बनता है। सो ये याद रखना, ठीक है, उसमें एक बड बनेगा, ठीक है, बेसिकली बड बनता है, बट सिर्फ डेवलपमेंट होता है। सो ये याद रखिएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर रिफर टू एज आर। सो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली हर्माप्रोडाइट होते हैं, जहाँ पे बॉडी में वेयर बोथ टाइप ऑफ ए सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी, ठीक है, उसे बोलते हैं हर्माप्रोडाइट। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों के रेफरेंस से बोलते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए बाइसेक्सुअल। सो बाइसेक्सुअल में अर्थवॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सो अर्थवॉर्म इज अ बाइसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सम प्लांट द डेवलपमेंट ऑफ द सीड गेट स्टार्ट इवन व्हेन द सीड आर विद इन द ओवरी। मतलब जहाँ पे ओवरी के अंदर सीड का डेवलपमेंट हो, दिस फिनोमिना इज ऑल्सो रिफर टू एज, इसे विविपेरिटी कहते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर, ठीक है, इंडिविजुअल अगर एनिमल के रेफरेंस में है, ठीक है, तो उसको भी विविपेरिटी बोलेंगे, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे भी विविपेरिटी कहेंगे। सो ये याद रखेंगे, ठीक है, बहुत से लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है इस चीज़ के लिए, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट एंड हैव द सेम जेनेटिक मेकअप, सच ऑफस्प्रिंग आर ए। मतलब ऐसा बेसिकली ऑप्शन जो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब फलस्वरूप बने, और उसमें क्या हो, सेम या सिमिलर पेरेंटल प्लांट्स हों या सेल हों उनकी, है ना, उन और उनका जेनेटिक जो मेकअप है या मटेरियल है वो भी सेम हो, तो उस तरीके का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो नेचुरल क्लोन का होता है, ठीक है। नेचुरल क्लोन का क्या होता है, ये एग्जांपल होता है, सेम पेरेंट सेल्स होंगे, उस इंडिविजुअल जेनेटिक जो मटेरियल है या मेकअप है या उसका जो भी सेट है वो क्या हो, सेम हो, तो उस तरीके का जो क्लोन होता है नेचुरल क्लोन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ द व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल। देखिए एवोल्यूशनरी अगर पॉइंट्स यानी कि विकास के अगर हम उसमें रेफरेंस में देखें, तो मोर सुटेबल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि सेल्स का या बॉडी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं यहाँ पे काफ़ी होता है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में हो सकता है। तो इवोल्यूशनरी ट्रेट से हम लोग इस तरीके समझ सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत हेल्प करता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 15। अ बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस बाय, सो बैक्टीरियम ए माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनता है। ठीक, ए माइटोटिक। ठीक है, मतलब बैक्टीरियम में वैसे जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उन सेल्स से माइटोटिक, ए माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ए मतलब सेल, माइटोटिक मतलब डिफरेंस, इसमें कुछ फिलामेंट्स होंगे, उनसे कुछ डेवलपमेंट होना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मतलब डिवीजन होता है, बेसिकली इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में, डेट इज़ अ ए माइटोटिक सेल डिवीजन। और आपने देखा होगा ओनियन की जो रूट टिप होती है, रूट टिप की बात करें तो उसमें तो मियोसिस होता है, लेकिन उसके इनिशियल फॉर्म में, ठीक है, उसके इनिशियल फॉर्म में सबसे पहले ए माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, देन मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये भी एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे। सो आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को हमेशा दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सकें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।